आज कुंवर वियोगी थर्ड मेमोरियल लेक्चर है, उसके संदर्भ में आप सबको मुबारक। और मुझे आपने ये सम्मान भी दिया, उसके लिए भी ट्रस्ट का मैं बहुत आभारी हूँ। इससे मुझे और भी ऊर्जा मिलेगी। 96 साल की उम्र में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डोगरा हिस्ट्री बाहर निकले, वही काम जो कुंवर वियोगी ट्रस्ट कर रहा है कई सालों से, और बहुत अच्छा काम कर रहा है दिल्ली में, जम्मू में, बाहर भी जा कर के। तो बहुत बहुत आप सबको इस शुभ दिन पर बड़ी मुबारक। और मुझे बड़ी खुशी तो ये है कि डोगरा हिस्ट्री के ऊपर ट्रस्ट ने बहुत जोर दिया है, कल्चर के ऊपर भी है और हिस्ट्री के ऊपर भी है। और मैं आपको मालूम है कि फौजी हूँ, महाराजा राम सिंह की फौज का हूँ। महाराजा हरि सिंह ने मुझे कमीशन दिया था 10 सितंबर 1947 को, और तब से मैं रियासत से और फौजियों से जुड़ा हूँ। और दिल्ली में भी मुझे प्रेसिडेंट के मिलिट्री सेक्रेटरी रहने का भी अवसर मिला, तो वहाँ भी जो कुछ मैंने देखा हो सका, मुझे लगा कि डोगरा हिस्ट्री के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, बल्कि बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। जैसे हम हमेशा देखते हैं भारतवर्ष में शिवाजी, महाराणा प्रताप और हमारे रंजीत सिंह जी, हम किताबों में पढ़ते रहे, जानते, बहुत बहादुर हुए, बड़े काबिल हुए, अपने मुल्क के लिए, अपनी रियासत के लिए उन्होंने बहुत काम किया। लेकिन किसी वजह से मैंने देखा डोगरा रियासत जो हमने बनाई, महाराजा गुलाब सिंह ने, जनरल जोरावर सिंह जिनको दुनिया का बहुत नंबर वन जनरल मानते हैं, उन्होंने हिंदुस्तान में सबसे बड़ी रियासत जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, टिबिठा, ये नाम था हमारी रियासत का, और 84,000 मरबा मील स्क्वायर माइल्स नंबर वन, 565 रियासतों में सबसे बड़ी रियासत। और सिर्फ सबसे बड़ी ही नहीं, हिमालय के पार जा कर के लद्दाख को फतह करके, गिलगित बल्तिस्तान 22 रियासतें लद्दाख की और 22 रियासतें गिलगित बल्तिस्तान, 44 रियासतें तिब्बत पर हमला किया, तिब्बत साथ मिला लिया बहुत हिस्सा, बदकिस्मती से जनरल जोरावर सिंह की पीछे से एक गोली लगने से मृत्यु हो गई। अगर शायद वो नहीं होती तो आज तिब्बत भी हमारे पास हो। ये डोगरा का काम है, इस डोगरा, ये फाउंडर्स ऑफ दी डोगरा गुलाब सिंह जोरावर सिंह। और ये आखिर में उन्होंने 101 साल राज किया, उस रेजिमेंट जिसने 40,000 की शहादत दे दी 1949 तक, जो 47 में हमारे पर पाकिस्तान से अंग्रेजों ने हमला करवाया, उसमें भी हमने बचा ली। और पूरी रियासत भारतवर्ष के साथ 26 अक्टूबर को मिला दी। तो ये डोगरा की कहानी है, लेकिन हमारी अपनी किताबों में नहीं है। हमारे जम्मू कश्मीर रियासत में मैंने कहीं नहीं देखा किताबों में, करिकुलम में बिल्कुल नहीं है। अब यूटी बन गई है और यूटी में भी कुछ नहीं अभी तक हुआ। तो ये बड़ी खुशी है कि ये मेमोरियल ट्रस्ट जो होगी, दूसरे भी संस्था बहुत कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी तक
कामयाबी नहीं हुई। तो मैं आज इस दिन शुभ दिन पर ये जरूर कहना चाहूँगा, मैं आपको बताऊँगा एक फौजी होने के नाते कि क्या बहादुरियाँ की हैं इन्होंने और किस तरह से इस रियासत को बचाया है। फिर भी हमारा नाम यहाँ होना चाहिए, वहाँ नहीं है। अगर कहीं किसी ने, शायद वजह यह है कि डोगरा हमारे लोग पढ़ते ही कम हैं, अपनी हिस्ट्री पे लिखते भी कम हैं, तो अगर पढ़े नहीं हम तो जो किसी ने लिखा है वो सही लिखा है, गलत लिखा है, पूरा लिखा है, कम लिखा है, वो हमें पता नहीं रहता। इसलिए आज के दिन, इस शुभ दिन पर मैं ये अपील भी करना चाहूँगा कि डोगरा को अपनी हिस्ट्री जाननी चाहिए और पढ़ना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि हमारी हिस्ट्री ठीक लिखी गई है। अगर कहीं नहीं लिखी गई तो उसको ठीक करके दोबारा ठीक भी करवाना चाहिए। ये भी एक बड़ी आज के दिन संकल्प करने की ज़रूरत है, लेने की ज़रूरत है। डोगरा एक ऐसी कौम है जो जम्मू कश्मीर में, जम्मू के पूरे सूबे में, पंजाब की जो हिल स्टेट थी वहाँ, और हमारे जम्मू जो पाकिस्तान है इसके इलाके में मिलते इलाके, होशियारपुर था उधर, झेलम, गुजरात, उधर शकरगढ़ तक, ये सब डोगरा लोग थे। फौज में ज़्यादा भर्ती होते थे और हमारी रियासत में काफ़ी फौज थी, 6-7-8 हज़ार, सबसे ज़्यादा फौज तो हमारी J&K रियासत की थी, जिसने बहुत बहादुरी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, सारी वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2। लेकिन बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हमारी अपनी रियासत के बनाने में और 101 साल उसको संभालने में लगे हैं, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। अब अंदाज़ा लगाओ कि इतनी सर्दी होती है, सियाचिन के आप सुनते रहते हैं, करगिल की लड़ाई आपने देखी है, आपको टेलीविजन पर देखा है, इतनी सर्दी थी। तो सब इलाकों में डोगरा फौज ने महाराजा गुलाम सिंह और फिर जनरल जोरावर सिंह के नीचे वहाँ लड़ाइयाँ करके स्कर्दू, गिलगित, बल्तिस्तान, ये सब हमने जीते और रियासत बनाई। और फिर बहुत तो नुकसान हुआ हमारा, तकरीबन 2000 तो आखिरी लड़ाई में जब पाकिस्तान ने, अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान से मजबूर करके उनको जम्मू कश्मीर पर हमला करो, क्यों? क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि अगली लड़ाई जो होगी वो शायद इंडिया में होगी, तीसरी जंग, थर्ड वर्ल्ड वॉर, और वो होगी गिलगित बल्तिस्तान में, शायद उस इलाके में। तो उसके लिए उन्होंने 1931 में ही शुरू कर दिया था, जब महाराजा हरि सिंह जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि हम कॉन्फेडरेशन चाहते हैं, जैसे अंग्रेज लोग आप आज़ाद हैं तो हम भी आपकी तरह ही आज़ाद रहना चाहते हैं, हम कॉन्फेडरेशन बना के रहेंगे। उसी वक़्त से अंग्रेज़ों ने शेख अब्दुल्ला को भड़काया और 1931 में बहुत बड़ी शोरश साजिश करके शोरश शुरू कर दी पूरी कश्मीर में, और वहाँ कुछ वो भी उन्होंने पुलिस के ऊपर हमला करवा दिया और उन लोगों को कुछ नुकसान भी हुआ, उनके 20 आदमी उनको मार्टियर डिक्लेयर कर दिया, छुट्टी दे दी, 13 जुलाई की छुट्टी हो गई डोगरों के खिलाफ, ये साबित करने को कि डोगरा लोग बड़े जालम थे, बिल्कुल गलत। और उसकी वजह से कई साल और बाद भी कश्मीर में हालात ख़राब रहते रहे, और
वो अंग्रेजों ने करवाया था, इसलिए करवाया था कि वो चाहते थे गिलगित हमसे ले लें, लीज पर लेना चाहते थे, और वो नहीं हम देते, महाराज हरि सिंह नहीं देना चाहते थे। तो उन्होंने ये थोड़ा डिस्टर्बेंसेस हुई और उसके बाद लीज ले ली 60 साल के लिए गिलगित। और गिलगित बल्तिस्तान का एरिया बहुत ही स्ट्रेटजिक एरिया है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो रशिया से मिलता है। वैसे भी जम्मू कश्मीर रियासत जो हमने बनाई थी, आप देखो रशिया, चाइना, तिब्बत, अफगानिस्तान, चार तो ये रियासत, नेपाल भी एक तरफ है, 5 और अब पाकिस्तान, 6 रियासतें और हमारा हिंदुस्तान, 7 रियासतें। ये रियासत ज्योग्राफी कंट्रीब्यूशन है, इतनी जबरदस्त स्ट्रेटेजिक स्टेट है। इसीलिए चाइना भी आकर वहाँ बस हमारा एक्साइटन एरिया पकड़ लिया हुआ है, और कुछ एरिया गिलगित का भी उन्होंने पकड़ लिया। ये अंग्रेजों ने बदमाशी करवाई, सारा सिल्क रूट लेना था, इस वास्ते हमें काफ़ी परेशानियां होने के बावजूद भी 47 में भी जब उन्होंने हम पर हमला करवा दिया, तो उसमें इंडियन आर्मी को हम चाहते थे आए, लेकिन माउंटबेटन पर बैठा था वो नहीं चाहता था कि इंडियन आर्मी जाए, क्योंकि वो चाहता था कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से मिल जाए। वो आया भी था, महाराजा हरि सिंह जी को बोला कि आप पाकिस्तान में ज्वाइन हो जाओ, अगर करोगे तो इंडियन लीडरशिप बुरा नहीं महसूस करेगी आप। लेकिन महाराजा हरि सिंह को मालूम था कि उनकी जो रियाया है 40% हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ये तो पाकिस्तान में कभी खुश नहीं रहेंगे, और 10% शिया वो भी खुश नहीं रहेंगे, और जो 60% रह गए मुस्लिम सुन्नी वो अगर पाकिस्तान में जाएंगे शायद वो भी रेफ्यूजी बन के रह जाएंगे, जैसे आज तक उनको भी महाजरी बोलते हैं जो हमारे यूपी से गए हैं, बिहार से गए हैं, उनको भी उन्होंने कभी पाकिस्तानी नहीं बोला, महाजर बोलते हैं। और वो घबरा के दुखी हो के मीरपुर मुलाकात छोड़ के चले गए कराची वगैरह, और पहुंच के लंदन में, अभी लंदन में काबूज हो गए हैं, पर पाकिस्तान में उनको कोई जगह नहीं मिली। तो इस तरह से ये उन्होंने ऐसे खेल खेला अंग्रेज़ों ने, अपनी पुरानी ग्रेट गेम के सिलसिला आगे बढ़ाने। उन्होंने क्या किया, 10,000 कवाली पाकिस्तान आर्मी, अमनीशन गाड़ियाँ, 6,000 कश्मीर के ऊपर, श्रीनगर, महाराजा हरि सिंह को पकड़ के दस्तखत करवा के उनका इलाज करवाना, एक्सेशन करवाना, 2,000 गुलमर्ग को के ट्रैक पर भेजे कि वो जाके पीर पंजाल को, वो जो बनिहाल के टनल ऊपर है उनको पकड़ना, और 2,000 उन्होंने टिटवाल की तरफ भेजे ताकि वो वहाँ बांडीपुर तक आके यहाँ सारे फौज में। ये पाकिस्तान की प्लान थी जो 21-22 अक्टूबर 1947 को उन्होंने हमला कर दिया। हमें कुछ मालूम नहीं था, ये सब प्लान हमारे जनरल स्कॉट होते थे, वो 24 सितंबर को रिटायर होकर स्कॉटलैंड चले गए, पर वो फौज हमारी वो पूरे बॉर्डर 800 किलोमीटर पर 8 पलटने 6,000 फौज थी हमारी, वो लगाई हुई थी। और ये बताते थे हमें, और मैं भी उस वक्त फौज में था और श्रीनगर में था, महाराज हरि सिंह के वो एडवाइज़र थे जनरल स्कॉट, वो बोलते थे कि पाकिस्तान हमला नहीं कर सकता, इस हमले की पोजीशन में नहीं है वो, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी अभी कहीं कलकत्ता में बैठी है, कोई मद्रास बैठी है, उनको आने को टाइम लगेगा,
लेकिन ये भी चालाकी थी, वो हमें बताते थे, लेकिन उन्होंने और जो जो इस हमले के लिए चाहिए थी वो जून महीने से ही शुरू कर दिया था। जैसे ही महाराज हरि सिंह जी ने कहा कि हम सोचेंगे, और जब उन्होंने कहा बात करेंगे, अभी दो तीन दिन आप आराम करो, माउंटबेटन को बोला तो जब परसों आप जाएंगे तो आप सोच लेंगे। तो परसों जब वक्त आया तो वो उन्होंने बोल दिया मेरा पेट खराब हो गया, मिले ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम था कि वो प्रेशर डालेगा, और वो वायसराय था, वायसराय सब कुछ होता है, पर इतनी चालाकी से, इतनी समझदारी से महाराज हरि सिंह जी ने अपनी रियासत बचा ली। बल्कि उसके बाद उन्होंने देखा कि ये संभालना मुश्किल है, जो भी रिपोर्टें आ रही थी वो पता लग रहा था जुलाई में कि शायद पाकिस्तान प्रेशर डालेगा, हम उसको संभाल नहीं पाएंगे। 18 जुलाई को उन्होंने अपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बत्रा को दिल्ली भेजा, जुलाई को 15 अगस्त से पहले नेहरू जी के पास के हमें एक्सेशन तैयार हैं, हमारा एक्सेशन कर लो। तो उन्होंने कहा नहीं, आप शेख अब्दुल्ला के पास, शेख अब्दुल्ला तो मुल्ज़िम थे उस वक्त, उन्होंने एक वो रिवोल्ट की हुई थी, उनके ऊपर चार्ज लगे थे, उनका मुकदमे चल रहे थे 46 से, तो महाराजा उनसे बात कैसे करते, वो गलत बात थी, और नेहरू जी समझ नहीं सके, और इस वास्ते वो एक्सेशन 15 अगस्त से पहले रुक गया। जब इन्होंने देखा हालात ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि सारा सामान पाकिस्तान से आता, खाने पीने का, ट्रेन, गाड़ी, मिट्टी का तेल, एवरीथिंग, पोस्ट, टेलीग्राफ सब पाकिस्तान से था। इंडिया के साथ तो सड़क भी नहीं थी, उसमें पुल भी नहीं था उधर, तो उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर लिया कि यूं का तो ऐसे ही चलना चाहिए। पाकिस्तान तो मान गया, नेहरू जी फिर नहीं माने। पता नहीं क्या हो गया था, कोई ऐसी बदकिस्मती है, हर बात इंडिया की, हर बात नेहरू जी की इस बार मामले जम्मू कश्मीर के बारे में गलती हुई, कोई बात ठीक नहीं, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा, पूरे हिंदुस्तान को भुगतना पड़ा, अब भी भुगत रहे हैं। चार जंगें लड़ी हैं फिर भी फैसले नहीं हुए, तो ये बड़ी दुख की बात है। और उस संताली में भी जब ये, बल्कि पता भी लग गया कि 20 अगस्त को वहाँ मेजर ओंकार सिंह करकट से, बन्नू कुहाट ब्रिगेड के ब्रिगेड मेजर से, उनको एक लफाफा आता है टॉप सीक्रेट बंद, उन्होंने खोला तो देखा साइन किया हुआ जनरल मैसरवी, जो पाकिस्तान का अंग्रेज कमांडर इन चीफ था, कि 10,000 कश्मीर के ऊपर, 10,000 जम्मू के ऊपर, 20,000 पाकिस्तानी हमला करेंगे, 22 अक्टूबर को हमला शुरू होगा। और ये चिट्ठी उनको मिली 20 अगस्त को, अभी 2 महीने 2 दिन पहले ही आर्डर निकाल दिए कि जम्मू कश्मीर 15 अगस्त तक अगर नहीं मिलेगी तो 22 अक्टूबर हमला करके ज़बरदस्ती पूरी रियासत पाकिस्तान से मिला दी जाएगी। और उसकी प्लानिंग जून 47 में शुरू हो गई थी, उसी के लिए उन्होंने फील्ड मार्शल अकलेक रखा था, और 6 के 6 कमांडर चीफ अंग्रेज थे, पाकिस्तान में भी 3 अंग्रेज और इंडिया में भी 3 अंग्रेज। और उनके ऊपर हमने एक और गलती की, माउंटबेटन को भी हमने रख लिया, तो माउंटबेटन उनके ऊपर गवर्नर जनरल बैठे हुए थे, तो जिससे क्या हुआ कि हमारे हथियार में कुछ नहीं था,
अंग्रेज ही हुकूमत कर रहे थे, वही हमला भी करवा रहे थे और वही इधर से लड़ाई भी लड़वा रहे थे। इस हालत में इस रियासत को नेहरू की सरकार ने छोड़ दिया। मैंने सब देखा है मेरे सामने, बहुत दुख होता है। और फिर 22 की रात को एक और बड़ी बदकिस्मती हुई कि हमारे ब्रिगेडियर रहमतुल्लाह होते थे वो पकड़ंगा में रहते थे और जब हमला हुआ तो वो वहीं थे, पर उनका बेटा असलम, कैप्टन असलम, वो 4 जैन के में था और वही कर्नल नारायण सिंह सम्याल उनके नीचे था वर्ल्ड वॉर 2 में और जैपनी के खिलाफ बर्मा में लड़ाई में बहुत अच्छा काम किया था। हमें 4 जैन की बड़ी बहादुर बटालियन थी हमारी, वो मुजफ्फरबाद में लगाई थी। वो आधी हिंदू डोगरा थी आधी मुस्लिम डोगरा थी और वहाँ भी उन्होंने 5 मिलिट्री क्रॉस जीते हुए थे। पहले भी यही पलटन जनरल जोरावर सिंह के साथ थी, मैं तब बस्तीराम कमान करते थे इनको, वो किश्तवाड़ के थे। और बाद में भी हुसैना बालमन में भी उसने बहुत अच्छा काम किया, पाकिस्तान का एक ब्रिगेड ख़त्म कर दिया जिसकी वजह से हमारी एक ही रेजिमेंट जम्मू कश्मीर रेजिमेंट इंडियन आर्मी की रेजिमेंट बन गई। 4 जैन के की काबिलियत वो पाकिस्तान का पूरा ब्रिगेड ख़त्म कर दिया हुसैन बाला में पंजाब में। वहाँ पर एक हाईएस्ट अवार्ड जो भारत रत्न के बराबर होता है शोका चक्कर 1 हमारे जवान को मिला जो नौशेरा का है पहला अवार्ड। तो वो जब देखा कलकट ने वो घबरा गए, उन्होंने टेलीफोन किया ब्रिगेडियर उनका आगे गया हुआ था टिकट के ऊपर कहीं बाहर बनूँ, तो उन्होंने बोला ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि चुप रहो, अगर तुमने किसी को बताया तो तुम वापस इंडिया नहीं जा सकोगे, और फौरन आके उसको हाउस अरेस्ट कर दिया। किसी तरीके से 18 अक्टूबर को मतलब 20 अगस्त को लेटर देखी थी उसने, 18 अक्टूबर को 2 महीने के बाद करीब वो अपने दोस्तों की मदद से कहीं हवाई जहाज पर पहुंचा, निकल गया और बाला में लैंड करके लेट हो रहा था। उसको पता था कि हमला हो जाना है 22 को, तो 18 हो गई हैं, 4 दिन रह गए हैं, कहीं ट्रेन पकड़ी मालगाड़ी में बैठे दिल्ली पहुंचे और डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह को और हमारे उस वक्त ब्रिगेडियर थापर कम थापर थे और ब्रिगेडियर गुलवंत सिंह वो आमिर क्वार्टर में थे, अंग्रेज़ों के नीचे से कर तो कोई सकते नहीं थे। तो उनको बताया कि मैंने देखा है ऑपरेशन ऑर्डर आ गया है कि 22 अक्टूबर को मुजफ्फरबाद से श्रीनगर पर हमला हो जाएगा। वो माने ही नहीं कि हो ही नहीं सकता ऐसा, किसी ने कुछ नहीं किया और हमें बताई है कि 22 को हमला हो गया। अंदाज़ा लगाओ कि क्या हालत थी इस हमारे मुल्क की, पता भी लग गया कि हमला हो रहा है फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो अब यहाँ हम भी सोचते थे कि इतना बड़ा हमला नहीं हो सकता, तो फौज थोड़ी थोड़ी टुकड़ियों में कोई कोला में कहीं इधर कहीं डिडवाल में 4 जैन के भी 200 किलोमीटर के एरिए में लगी हुई थी, उन रात को हमला कर दिया। अब उनसे वो था दशहरा आने वाला था और हमारी पलटनों में क्या होता था कि दशहरे के दिन हिंदुओं को वो 3 दिन छुट्टी दे देते थे कि दशहरा बनाओ, और ईद के दिन हिंदू ड्यूटी देते थे और मुस्लिम को छुट्टी दे देते। तो ये दशहरा 24 को था और 22 को उनको फ्री, 21 को फ्री कर दिया और इतना सब बंदोबस्त असलम ने किया था मुझे रहमतुल्लाह का बेटा, और वो पार आके हमारे मुस्लिम अफसरों से मिल के आप
अपने इनके वेपन, जैसे ही ये 21 रात को वेपन इनके कोद में डाल के इनकी चाबी गुम कर देना ताकि इनको वेपन नहीं मिले, और फिर जो भी बैरक में सोए हैं इनको मार देना। वही हुआ, तमाम हिंदू मार दिए 21-22 की रात को। और फिर 22 को सुबह नारायण सिंह को भी उन्होंने तकरीबन घेर लिया, और वो 5-10 आदमी उनके साथ थे। वो दुमेल के पुल के साथ जगह थी झाड़ी वगैरह में, कहीं छुप गए और मैसेज कर दिया नगर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को कि ये हो गया है, रात को हमला हो गया है, हमारे सारे मारे गए हैं, और आगे आगे आप संभालो क्या होगा। उसके बाद बात कोई नहीं हुई। तो ये 22 की सुबह ये हुआ। अब उन्होंने प्रोग्राम, उनका ये था प्लान कि 300 गाड़ी उनको मिली हुई थी, 6,000 पाकिस्तानी ट्राइबल्स एंड पाकिस्तानी, उन्होंने 10 बजे वहाँ से निकलना था मुजफ्फराबाद से, 5 घंटे का ज़्यादा रास्ता था, 3 बजे तक पैलेस में श्रीनगर जाके महाराज हरि सिंह जी को पकड़ के एक्सेशन के दस्तखत करें। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अगर एलाक नहीं किया था, एक्सेशन नहीं किया था, तो ज़बरदस्ती रियासत पर कब्ज़ा अंग्रेज़ों ने करवाया पाकिस्तानियों से। ये अंग्रेज़ हमारे साथ कर रहे थे, और नेहरू जी को पता ही नहीं था, मैं भी कुछ पता नहीं था इनको, मगर फिर भी देखो महाराज हरि सिंह और उनकी लोगरा फौज, जिनके ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह चीफ ऑफ मिलिट्री स्टाफ यानी मिलिट्री कमांडर इन चीफ वही थे, तो महाराज हरि सिंह को ये खबर मिली तो उन्होंने वर्दी डाली और बोले मैं जाता हूँ मुजफ्फराबाद, देखता हूँ क्या हो रहा है। क्योंकि वो नहीं सोच सकते थे कि बहुत बड़ा हमला होगा, वो सोचते थे कि कहीं छोटा मोटा हमला होगा, उसको देखते हैं जाके कंट्रोल करेंगे, और इंडियन आर्मी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी बोलेंगे। मगर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी ने कहा कि हो सकता है बड़ा सीरियस हो, आप रेडी रहो, मैं जाता हूँ। जो भी यहाँ फौज तो थी नहीं उधर, मुश्किल से उनको 100 जवान को भी कोई आर्ड नहीं मिला, कोई कुछ। महाराज हरि सिंह जी ने अपनी एक जो कंपनी थी उनकी पैलेस गार्ड, वो कैप्टन प्रीति सिंह थे उनके कंपनी कमांडर वहाँ पैलेस गार्ड के, वही दे दिए, वही बच्चे लेके वो 100 लेके चल पड़े। रात को रहे भी इसमें हुई में, और सुबह 10 बजे चले मुजफ्फरबाद को पता करने को कि क्या हो रहा है। जब वो गाड़ी पहुंचे तो उन्होंने सामने देखा 300 गाड़ी आ रही है, उनमें 6,000 लोग निकले पाकिस्तानी, पठान टप टप राइफल सारा, और 4 जेन के हमारी लीड कर रही थी, और 4 जेन के को तो सारा पता था, उसका सड़क रोज उसी में थे, वो राशन डालता था रोज रात एवरी डे, उनकी शायद फैमिली भी गामी बाग में थी, श्रीनगर में थी। तो जब वो आ गए तो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी ने कहा, 60 आदमी थे कुल, कि आप एक प्लटून 30 की सड़क के ऊपर दरियाए जेलम की तरफ, दूसरे 30 जवान कैप्टन सुबेदार धुनीचंद के नीचे बाएं वाली पहाड़ी पर, और कैप्टन प्रीति सिंह कमांडर उनको बोला कि जैसे ही गाड़ी आए इतना फायर करो कि गाड़ी सड़क के ऊपर ही कुछ गाड़ियां बर्बाद हो जाए, रोड ब्लॉक हो जाए, ताकि हमें टाइम मिले और हम हिंदुस्तान आर्मी का भी कोशिश करें कि वो जल्दी से जल्दी वाकई से नगर को बचाए। वही हुआ। जैसे वो सामने आए तो प्रीति सिंह जी ने एक और बड़ा काम किया कि एक नायक कृपाल सिंह लिया, 4-5 सेक्शन ली, और अगले मोड़ के ऊपर जा कर के जैसे ही पाकिस्तानी गाड़ी आई हमला करके पहली गाड़ी छीन ली उनसे और ले आए। जब वो ला रहे थे तो बाएं से अपनी प्लटून, दाएं से दूसरी गुरुचंद की प्लटून, वहाँ हमारे एनडी जमाल जो पद्मश्री हैं अभी पुलिस डीएसपी में रिटायर हुए बाद में,
वो भी दुनिचंद के साथ में देखे और उनको बोला हुआ था कि फायर करो। जब पाचकार ने मार्किंग की गाड़ी देखी, इतना फायर हुआ तो वो गाड़ी तबाह हो, बल्कि उसमें चार जवान हमारे भी मारे गए, नायगर पार्सल सेक्शन कमांडर भी मारा गया और कैप्टन प्रीत सिंह भी जख्मी हो गए। मगर उन्होंने बड़ी होशियारी से गाड़ी के अंदर से एक वर्दी खोल के सफ़ेद बनियान निकाल के उसके ऊपर राइफल के ऊपर बताई हम अपने हैं। तो उन्होंने गाड़ी वहाँ मारी पहाड़ के साथ और वो पक्का रोड ब्लॉक बना दिया और खुद निकले। एक और उनको मॉर्टर का बम लगा, ज़्यादा सीरियस हो गए और वो हॉस्पिटल भेज दिए गए। ये सिचुएशन ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने इस तरह से कंट्रोल की कि वो 3 बजे उन्होंने महाराज हरि सिंह को पकड़ना था जाके। 22 को तो पहले दिन उनको तो नहीं आने दिया, वो कर्नल नारायण सिंह के 10 आदमी ने और एक NMG प्लूटून थी भाजी, उन्होंने रोक के रखा। ये हमारे टोरा फौज थी नहीं, फिर भी पाकिस्तान के 10,000 आदमी को रोक कर रख दिया और पूरा एक दिन 22 का, उसकी वजह से 23 हो सका। और 23 के रोकने से महाराजा हरि सिंह जी को ब्रिगेडियर साहब ने सारी खबर सुनाई। वह मेरचंद महाजन प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी सुन रहे थे और उन्होंने फिर उनसे दिल्ली में बोल के जल्दी से फौज आए। पर माउंटबेटन ने कहा नहीं, कौन कहता है वहाँ दुश्मन आ गया। हालांकि माउंटबेटन को सारी खबर मिल रही थी, उनको मालूम था कि 10,000 आदमी ने हमला किया है और मुजफ्फरबाद में एक दिन वेस्ट हो गया है, दूसरे दिन घड़ी में भी वेस्ट हो गया है। फिर भी वो कहते हैं कौन कहता है, नेहरू को बोलते हैं कौन कहता है वहाँ दुश्मन आ गया, भेजो पता करो। तो नेहरू जी ने VP मेनन को, जो हमारे वल्लभ भाई पटेल के सेक्रेटरी थे स्टेट्स के भी और होम के भी, वो मानेकशॉ जो बाद में फील्ड मार्शल बने जिन्होंने बांग्लादेश में बदला लिए जाके ये कश्मीर का, वो दोनों वाइजाज पर आए। देखा तो पता लगा हालत कितनी ख़राब हो गई। उन्होंने ही महाराज हरि सिंह को बोला कि आप जल्दी जम्मू चले जाओ, नहीं तो ये रात को वो पहुंच जाएंगे तो आपको ही पकड़ के दस्तखत करवा लेंगे, हम कैसे पेपर आपसे कहाँ ले जाएंगे। तो रात को वो रहे इधर ही बीपी मेनन और मानेकशॉ, उन्होंने ये इंश्योर किया कि वो रात को 12 बजे तक निकल जाए और वो रात को 12 बजे 25 शाम को निकले हैं और 26 सुबह को वहाँ जब वो पहुँचे हैं। तो ये 26 को गए हैं वापस ये रिपोर्ट सुनाने नेहरू को, तो मामला बहुत ख़राब हो चुका है, दुश्मन श्रीनगर पहुँचने वाला है, फौज इंडियन आर्मी जल्दी भेजो। तो वो कहता है नहीं, जब तक महाराज हरि सिंह दस्तखत नहीं करेगा मैं नहीं भेजूँ। उनको मालूम था कि कहाँ पहुँच गया है पाकिस्तान आर्मी और वो चाहता था एक दिन और मिल जाए। ये माउंटबेटन चाहता था, अंग्रेज चाहते थे, हमको इतना बुद्धू बना दिया पता ही नहीं। और वो खुद फिर दूसरे दिन सुबह वापस आया, वो महाराज साहब से साइन करवाए वापस के। 26 को तब जाके 27 को वो इंडियन आर्मी आई लैंड करी, पर तब तक ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह लड़ रहे थे, उड़ी का पुल उड़ा दिया, उससे 2 दिन और मिल गए। फिर वहाँ मथुरा की लड़ाई लड़ी, मथुरा में भी किसी वजह से जब दुश्मन आ रहा था तो वहीं जो उस पर बैठे थे इलेक्ट्रिशियन, उन्होंने वो समझा कि दुश्मन आ गया, हालांकि दुश्मन तो नहीं आ था अभी विवाद में था, वो उन्होंने सारा स्टेशन उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया, बिजली ख़त्म पूरे। मैं भी उससे नगर था, देखा बिजली ख़त्म हो रही है, बस उसके बाद बिजली आई नहीं कहीं नहीं है। तो दूसरे दिन उन्होंने रामपुर बुनियार में लड़ाई लड़ी पूरा और बहुत नुकसान किया, कहते हैं 1,000 पाकिस्तानी मारे गया वहाँ। और रात को जब निकल रहे थे 26 की रात को 2 बजे, उस वक्त पाकिस्तान ने एम्बुश कर लिया
दरख्त काट के, पत्थर सड़कों पर, और जो गाड़ियाँ जा रही थी उनके ऊपर दाएं बाएं से इतना फायर किया, और ड्राइवर मर गए, कई ड्यूटीज हो गई, जख्मी बीच थे वो मर गए, पीड़ित राजेंद्र सिंह भी मारे गए वहाँ पर, जख्मी हो गए। उन्होंने कहा मुझे पिस्टल दे दो, मैं मुझे महाराज हरि सिंह जी का हुक्म था कि यू विल बी द लास्ट मैन एंड द लास्ट बुलेट, ये मेरा पिस्टल। और वो वहीं रहे, वो वाकई ही लास्ट मैन तक लड़ते रहे। 2 बजे तक उस सड़क पर कोई नहीं बारामूला को आ सका। 27 तारीख सुबह 7 बजे पहली गाड़ी पाकिस्तान से बारामूला पहुंची है, ये फैक्ट बात है। दाएं बाएं से लोग, कोई लोकल थे कुछ, वो कहीं बारामूला के पास पहुंच गए, लेकिन 27 सुबह तक कोई मेन रोड पर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह और डोगरा फोर्सेस ने किसी को नहीं आने दिया, जिसकी वजह से कश्मीर बच गया, एयरपोर्ट बच गया। और तब तक वो फौज आनी शुरू हो गई। अंग्रेजों के हिसाब में था कि शायद उनको बोला था कि लैंड नहीं करना, पहले देखना कि दुश्मन के पास तो नहीं है एयरपोर्ट। उनको ख्याल था कि तब तक दुश्मन के पास, मतलब पाकिस्तान के पास हो जाना चाहिए था, इसलिए बोला आप ऊपर से देखना, अगर एयरपोर्ट दुश्मन पहुंच गया है तो वापस आ जाना। ये हुक्म था नेहरू जी का, बलदेव सिंह जी का, अपनी फौज को। मगर वो तो बारामूला से आगे जाने ही नहीं दिया हमारी फौज, इस वजह से 9 बजे फौज लैंड हो गई। और सिख पलटन थी, राय कर्नल थे वहाँ पर, हमारे कश्मीर सिंह कटोच थे, वो एडवाइजर थे उस वक्त महाराज हरि सिंह जी के। उन्होंने उनको बोला कि आप यहाँ टाइम मत वेस्ट करो, आप सीधे बारामूला चले जाओ। वो वहाँ आए तब बारामूला में लड़ाई हो रही थी, दिलेर थे, बहादुर थे, आगे बढ़े, गोली लगी, मारे गए। तो मगर कश्मीर बच गया। उसके बाद फिर भी लड़ाई हुई, बट इंडियन आर्मी आ गई, फिर उन्होंने संभाल लिया। पर डोगरा फौज ने पूरी रियासत 26 को इंडियन आर्मी को और पूरे भारत को दे दी, ये डोगरा, जम्मू के डोगरा की बहादुरी का। मगर किताबों में कुछ बहुत कम है, बच्चों को कुछ मालूम नहीं। मैं लंदन गया, वहाँ लेक्चर दिया, वो बड़े अच्छे बच्चे काबुल, वो कहते हैं हमें कुछ पढ़ाया ही नहीं है, हमारे यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस में कुछ नहीं है इसके बारे में। जनरल जोरावर सिंह कौन थे, हमारे गुलाब सिंह कौन थे, हमारे हरि सिंह कुछ नहीं है, हमारे रणबीर सिंह कौन थे, जनरल बाज सिंह, ये देखो ये इनके बारे में, ये सबको पता होना चाहिए, कुछ पता नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे मेमोरियल ट्रस्ट जो हैं बहुत काम कर रहे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट नहीं कर सकी, एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं कर सके, एनसीईआरटी में कुछ नहीं हुआ, हमारे बोस ने कुछ नहीं किया। अब कम से कम ये ट्रस्ट है, उम्मीद है कि हमारी हिस्ट्री जो बिल्कुल लिखी नहीं गई उसको निकालेंगे। तभी मैं सबको इन मेमोरियल ट्रस्ट का भी फायदा है, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये ट्रस्ट आगे बढ़े और हमारी ये कहानियाँ लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।